पीड़िता के पिता की हुई संदिग्ध मौत। बांगरमऊ से बीजेपी विधायक पर है रेप का आरोप। मामला दर्ज न होने पर परिवार ने की थी जान देने की कोशिश। सीएम आवास के सामने की थी जान देने की कोशिश। विधायक के भाई पर लगा जेल में मारने का आरोप। आखिर कैसे हुई रेप पीड़िता के पिता की मौत? बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप लगाने वाले परिवार के मुखिया की संदिग्ध मौत ने उन्नाव से लखनऊ तक तहलका मचा दिया है। आनन फानन में प्रशासन ने थाना प्रभारी समेत 4 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन परिजनों ने विधायक के भाई पर जेल में घुसकर मारने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि गैंगरेप पीड़िता के पूरे परिवार ने न्याय न मिलने पर 8 अप्रैल को सीएम आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। वहीं अपने पिता की मौत के बाद परिजनों का कहना है कि 3 अप्रैल को मुकदमा वापस न लेने पर विधायक के भाई ने जमकर पीटा था, जिसमें उनका भाई भी लहूलुहान हो गया था और उल्टा एक मुकदमा उनके पिता के खिलाफ लिख पुलिस ने जेल भेज दिया था। अम्मा जी मेरे दरवाजे आए 4-5 जने गाड़ी लेके, 4-5 गाड़ियों से मेरे पति को खींच ले गए। नीम में माना पानी डाल डाल के माला ₹1,000 से 2 मोबाइल से वो छीन लिया, पानी डाला उसके पानी डाल डाल के माला। वहीं इस मामले पर जिला अधिकारी का कहना है कि मृतक को उल्टियां हो रही थीं और पेट दर्द की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी। जेल में कल रात में उनका उल्टी होने का और थोड़ा पेट में दर्द होने का शिकायत हुई थी, उस आधार पर उनको जिला अस्पताल लेकर आ गया है। यहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने थोड़ा बहुत खाया और उसके बाद फिर उल्टी होना शुरू हो गई, उसके अचानक उसकी डेथ हो गई। इस चीज़ को लेकर के अभी हम लोगों ने टीम गठित किया है, मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है, इसका पूरा कंप्लीट वीडियो गठित किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर डीजीपी का कहना है कि शासन स्तर से इस पूरे प्रकरण के जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है, जो उन्नाव जाकर पूरे मामले की जांच कर रही है। हमने वहां पे लखनऊ में एक टीम गठित कर दिया है, वो टीम उसकी जांच कर रही है। टीम ऑलरेडी वहां उन्नाव पहुंच चुकी है और सारे बिंदुओं पर उसकी जाँच होगी। हमने जो उसमें नामजद अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कह दिया है, वो गिरफ्तार होंगे और साथ ही साथ जाँच में जो भी चीज़ आएगा, जेल में उसकी मृत्यु हुई है और जेल विभाग को भी बताया गया है कि किन कारणों से उसकी मृत्यु हुई है, इसकी भी जांच करें और सभी चीज़ को समग्रता से देखते हुए उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। लेकिन अब आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। उन्नाव के बांगरमऊ से विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, इनके ऊपर एक युवती ने जून 2017 में अपने साथी की मदद से रेप का आरोप लगाया था और पीड़िता को मुकदमा वापस लेने के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। विधायक, उसके भाई और गुर्गों की प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता परिवार संग आत्मदाह करने के लिए लखनऊ में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास पहुँच गयी। हालाँकि पीड़िता परिवार संग आत्मदाह कर पाती इससे पहले ही सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया और थाने ले आई। थाने आई पीड़िता ने बताया कि दबंग विधायक ने उसके साथ जबरन बलात्कार किया था। जब मुकदमा लिखवाने वो थाने उन्नाव के माखी थाने पहुंची, तो वहां से उसे भगा दिया गया। 4/6/2017 की विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ गलत काम किया। जब विधायक कुलदीप सेंगर ने हमारे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, सती सिंह हमको उनके घर लेके गयी थी। जब हमारे साथ गलत काम कर रहे हमने इसका विरोध किया तो हमको धमकी देने लगे कि अगर किसी को बताओगे तो पूरे परिवार वालों को मरवा के फेंकवा दूंगा। हम क्या करें, हमारे चाचा कोई अपराध नहीं करते हो तो 20 साल से पुलिस से शिकायत करने गए थे। हम पुलिस से शिकायत करने गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। हर जगह मुख्यमंत्री के पास भी आए, हर जगह सब कुछ एप्लीकेशन दिया, इतनी रजिस्ट्री हमने सारी दिल्ली से की, हमारी कोई सुनवाई नहीं। किस थाने पे आप गए थे, किस थाने का मामला है? माखी थाना घर भाई, ये मामला है। पीड़िता स्थानीय स्तर से लेकर जनपद के पुलिस अधिकारियों की चौखट तक पहुंची, लेकिन विधायक के रसूख के आगे उसकी एक न चली। यही वजह थी कि उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। आरोप है कि कोर्ट से मुकदमा वापस लेने के लिए विधायक द्वारा पीड़िता को धमकाया जा रहा था। इसी बीच 3 अप्रैल को हथियारों से लैस विधायक का भाई अपने गुर्गों के साथ पीड़िता के घर पर आधमका और परिवार के लोगों को जमकर पीटा। आरोप है कि सत्ता पार्टी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को खुश करने के लिए पुलिस ने पीड़िता के परिवार के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर उनको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
विधायक हैं वो, और अतुल सिंह, कुलदीप सिंह, ये सब मेरे पापा को हमारे घर पे आते हैं, धमकी देते हैं, अपना केस वापस ले लो। हमने कहा नहीं, तो हमारे साथ छेड़खानी करते हैं अपनी, मतलब वो जो बॉडी गार्ड नहीं है उनके, वो सब मेरे पापा को मारने लगे, तो हम बचाने लगे, तो हमारे साथ छेड़खानी करने लगे और वहाँ घर से उठा के अपने घर पे ले गए। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने विधायक के दबाव में आकर उन पर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया और उसके पिता को जेल में डाल दिया। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो 8 अप्रैल की हैं, जहां माखी गांव के रहने वाले पप्पू सिंह अपना इलाज करा रहे हैं और इनके पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं। आप खुद पप्पू सिंह के मुंह से इनकी दर्द भरी दास्तां सुन लीजिए। विधायक के भाई ने मारा, मरवाया पुलिस भाई वही मारते रहे, पुलिस ने बचाया नहीं हमको, बहुत मारा, विरोध कर रहा था। भाई ने मारा कौन था? कुलदीप का भाई अतुल सिंह, जो उसने एसपी गोली मारा था और उसके साइडों से चार मारा। अच्छा, रखे थे कुंडे से बंदूक, पुलिस खड़ी हुई, पुलिस को बचाई नहीं, पर मारा कह रहे तब वह लागू आए रहेंगे। क्या वजह रही, किस वजह से मारा, क्या विवाद है तुम्हारा उसका? मेरी लड़की भी बता दिया था लोगों ने, मिलकर कुछ गलत हुआ था आपकी लड़की के साथ? वहीं एडीजी जोन राजीव कृष्णा ने कहा कि पीड़ित पक्ष के गंभीर आरोप हैं, जो भी मुकदमे लगे हैं उन पर लखनऊ से जांच कराने का आदेश दे दिया गया है। पीड़ित पक्ष के कुछ आरोप हैं जो गंभीर प्रकृति के हैं, ये उन्नाव जिले के माखी थाने से संबंधित हैं। उन आरोपों का संज्ञान लेते हुए जो इस मामले में मारपीट के मुकदमे कायम हुए हैं अभी हाल ही 10 दिन पहले, उसकी तफ्तीश मैंने लखनऊ जनपद से कराने का आदेश कर दिया है। एक आरोप उनका आज से करीब 8 महीने पुरानी घटना को लेकर के था, उसमें भी लखनऊ से एक वरिष्ठ अधिकारी को मैंने भेजने का आदेश कर दिया है, इसमें वो जाकर जांच करेंगे और जांच करके सत्यता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रेप जैसी बात सामने आ रही है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है? उनका यह आरोप है कि आज से 7 महीने पहले वहाँ पर जो विधायक हैं उनके द्वारा दुराचार किया गया है, क्योंकि घटना के 7-8 महीने हो गए हैं और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि इन्होंने 156(3) में कोर्ट में दरखास्त डाली हुई है, कोर्ट का भी अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है। इन सब इस विलम्ब वगैरह को और बाकी चीज़ों को देखते हुए यहां से लखनऊ से एक अधिकारी को भेजकर जांच कर रहे हैं। इस पूरे मामले में पुलिस ने बताया कि 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा व कुछ लोगों के खिलाफ अज्ञात में मामला दर्ज किया जा चुका है और विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। कल से आज तक 2 मामले पंजीकृत हुए, एक क्राइम नंबर 89 जो पिंकू सिंह द्वारा पंजीकृत कराया गया, जिसमें बताया गया कि एक सुरेंद्र सिंह है जिनके पास अवैध तमंचा था मारपीट गाली गलौज का, और एक दूसरा मामला आज 90/18 147(504) पंजीकृत है, इसमें आशा सिंह वाइफ ऑफ सुरेंद्र सिंह ने पंजीकृत कराया है। इसमें 4 लोग नामजद हैं, कुछ लोग अज्ञात हैं, दोनों अभियोग पंजीकृत किए गए हैं और इसकी विवेचना उप निरीक्षक द्वारा की जा रही है और मामलों में तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जो चीज आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अब इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री से इस मामले पर इस्तीफा मांगा है, तो सीएम योगी ने भी इस मामले में कहा कि जो भी दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार ने पहले इस बात को कहा है, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। कल ही इस मामले में एडीजी लखनऊ को पूरी जांच करके और जो भी दोषी हैं, अगर पुलिस की लापरवाही कहीं पर है तो ऐसी दोषी कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने, और जो भी दोषी होगा कोई भी हो, पहले इस बारे में कह दिया गया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार और कानून इस मामले में, जो भी इस मामले में दोषी हो या किसी भी घटना में, उसके साथ किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं करेगी। मीडिया में पूरा मामला सामने आने के बाद विधायक सेंगर मुख्यमंत्री से मिलने सचिवालय पहुंचे और सफाई दी कि उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। ये लड़की 6/11 को इस लड़की के पिता ने माखी थाने में मुकदमा कायम कराया, जिसमें अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है
क्योंकि नेताओं के आगे इस देश में हमेशा गरीबों को दबाया गया है। रेप पीड़िता तो एक साल से मामला दर्ज कराने के लिए भटक रही है, लेकिन उसका मामला तक दर्ज नहीं किया गया और वो अब न्याय दिलाने की उम्मीद छोड़ चुकी है। वहीं इस पूरे लड़ाई में उसका साथ दे रहे उसके पिता को भी दरिंदों ने मौत के आगोश में कर लिया। तो शायद इस पूरे मामले की लीपापोती कर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और विधायक को बाइज्जत बरी कर दिया जाए, क्योंकि अगले साल चुनाव जो है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल सिंह, लखनऊ से अनिल सैनी, बहराइच से कासिफ की रिपोर्ट।